हाँ तो दोस्तों, दोपहर का 11 बज गया है। अब आई हूँ किचन में, गुड़िया भी आ गई है ट्यूशन से, तो मैंने बोला फटाफट मैगी बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ, क्योंकि अभी रोटी भाजी बनाने का टाइम नहीं। बनाने के लिए तो बना रही मैं दाल भात बना रही, लेकिन भूख लगी है बहुत जोरों की, तो मैगी लेके आई मैंने, फटक से मैगी बनाती हूँ। तो मैंने बोला मटर पनीर बनाती हूँ, तो प्रेशर रख दिया मैंने, बोला थोड़ा से कांदा लहसुन और टमाटर को पहले लाल कर। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करें, खूबसूरत शहर मुंबई से टाइम हो रहा है सुबह का 11:30 से ऊपर हो गया, तो मैं आई हूँ अपने किचन में। तो बच्चे भी आ गए, पर उसका भी हाफे था, गुड़िया भी ट्यूशन से आ गई। अब मैं नाश्ता बनाई, नाश्ते में बनाया मैंने मैगी, अली बनाए के लिए दिखाना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि देर भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, भूख भी लगी थी, मैगी दिखाना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अभी मौसम का हाल बोले तो गर्मी शुरू हो गई मुंबई में। कल तो होली थी, कल से तो आज से तो ज़रा ज़्यादा ही गर्मी हो गई, बात चमचमाती और धूप लगी है। परवेश तो आ गया स्कूल से, गुड़िया भी ट्यूशन से आ गए। अब गुड़िया को जाना है 3 बजे का स्कूल है, गुड़िया को 2:30 बजे जाएगी। तो मैंने बोला आज बहुत दिन से मटर पनीर नहीं बनाया था, तो आज मैंने बोला मैं मटर पनीर बना लेती हूँ। कल पापा, इसके पापा पनीर लेके आए थे, तो आप मटर लेके आइए, थोड़ा पनीर आज भी लाए। तो मैंने बोला चलो बच्चों के लिए आज मटर पनीर बनाती हूँ, भात भी रख दिया, क्योंकि मेरे जगदीश स्कूल गया है, आते आते मैंने उसको भी भूख लग जाएगी, तो यहाँ पर मैंने भात भी रखा है। इधर मसाला बन रहा है, ये भात है और ये पानी है, और इधर बर्तन धोने के लिए पड़े हैं, तो मैं बर्तनों को धोती हूँ। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लिया, अभी चाय ब्रेड खा रहे थे, तो मैं ये खा ली, बोलते कि ब्रेड मैंने खा लो, क्योंकि भूख लगी, 12 बजने वाला सुबह से बच्चे भूखे हैं। तो मैंने बस भात तो अभी खाएंगे भी नहीं, क्योंकि बच्चों को भी आदत पड़ गई है कि लेट खाने की, तो भात खाएंगे सीधा खाएंगे भात, तो ये 6 बजे 6:30 बजे खाएंगे। आइए जगदीश आ गया, तो जगदीश खाएगा दोपहर को खाना, अगर परवेश खा लेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि अभी बेटे हमारा नाश्ता होता, नहीं तो नहीं खाते। अब तो शाम में 6 बजे बनाने को भी नहीं होता मेरे को, बेटे मुझे तो जो भी खाएगा, अगर खाएंगे भी तो बना के रख दें, नहीं भी खाएंगे घर खाना बना के रखेंगे तो खा लेंगे, कभी भी जब भूख लगेगी तभी खा लेंगे। अभी पहले बर्तन धोती हूँ, मैंने मिक्सर में मैंने थोड़ा मटर पीसते, मटर बरी कर दी क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी हो जाती है, उसके बाद मैं बर्तन वर्तनों को धोती हूँ। चलो बने रहे वीडियो में, चैनल कुकिंग करते हुए मैं दिखाया आप लोगों को, भात भी बन गया मेरा, बस मटर पनीर भी बन जाएगा कुछ दिनों में। इधर मैंने दही रखा, दूध रखा है दही जमाने के लिए, मैंने बोला घर में जमाती हूँ दही, क्योंकि बाहर की दही कितना भी लगे उतना स्वाद नहीं करती, करती बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए मैंने घर में जमा ली। तो चलो बन गया हमारा खाना, खाना खाते आई थी स्कूल, क्योंकि गुड़िया का था हाफ डे, लेट हो गए, 3 घर पर ही बस गया, 3 बजे का स्कूल था। पर कोई बात नहीं, बच्चे और भी आ रहे हैं अभी, क्योंकि फिक्स टाइम पे कोई भी नहीं जाता। पहले तो दोपहर का टाइम है मुंबई में, इतनी गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। हम दोनों आए रिक्शे में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने चलो जाने दी, ऐसे भाग भाग के आने में से आराम से रिक्शे में बैठे, तो गुड़िया को भेज दिया मैंने गेट के अंदर। अब मैं जा रही हूँ घर पे, बोल रही थी मम्मी 2.5 घंटे का स्कूल है, तो तू इधर ही बैठ, 2.5 घंटा बैठ के क्या करूँ, मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होती बैठने से, कमर में दर्द होती, मैं ज़्यादा बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं थोड़ा बैठना है, थोड़ा लेटना है, इससे बढ़िया घर पर जाती हूँ, घर पर थोड़ा काम हूँ मैं। अभी खाना होना खाया, खाना तो मैंने दोपहर को बना दिया था, मैं सोई थी, तो मैंने बोला चलो थोड़ा थोड़ा खा लूँ, बाद में भूख लग जाए। तो पर उसको भी अभी ट्यूशन जाना बोल रहा था, मम्मी मैं भी निकल जाएगा, जाने दो, इधर तो थोड़ा छाँव है, बच्चे अभी भी आ रहे हैं, आज है मंगलवार, यानी कि इधर लगेगा आज मंगल मार्केट, तो ये गाड़ियाँ आ गई है सामान, मतलब जो मार्केट के लिए लगता है, कोई आने वाले लोग इधर बैठे हैं, लेकिन मैं नहीं बैठेगी, इधर बैठे हैं, उधर गार्डन में भी लग गया सामान, इधर है ना ये ट्रक भी आ गया है, रिक्शा आज मंचूरियन वाला देखो, 2 दिन से नहीं आ रहा था, मंगल मार्केट लगेगा ना तो ये लेट ही आता है, तो यहाँ पर रहता है ये मंचूरियन वाला। चलो खैर, हमने तो खाना खा लिया है, तो चलो चलते हैं घर पे, मिलते हैं घर पे, क्योंकि इतने देर तक मोबाइल भी नहीं पकड़ पाए, एक ट्रक ही आ रहा है। सॉरी, परवेश की साइकिल अभी बन के आई है, आ गई मैं गुड़िया को बेच, इतनी गर्मी से मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, लेकिन क्या करें, जाते वक्त हम रिक्शे में गए, आते वक्त जब परवेश की साइकिल बनाने के लिए दी थी परसों, तो साइकिल की दुकान खुली थी, तो वहाँ गए, मैंने बोला साइकिल बनी, बोलता हाँ, तो मैंने लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मैं परवेश को
घर में आ भी नहीं सकी, मेरे को नीचे सोसाइटी में मिला, वो जा रहा है ट्यूशन, तो उसको भी धूप में ट्यूशन जाना था। मैंने चलो मैं लेके जाती हूँ, कम से कम साइकिल तो होगी अपने पास में, धूप तो नहीं लगेगी उसको, साइकिल में थोड़ा हवा आ जाती है। तो पर उसको मैंने साइकिल दे दिया, वो भी चला रहे हैं ट्यूशन। अब पहले बर्तन धोती, उसके बाद इधर कपड़े पड़े हैं सुबह से, जो कल के धोए कपड़े हैं उनको सुबह से निकाले, अभी उनको भी डोलना है। उसके बाद जो धुले कपड़े हैं उनको सुखाने के लिए डालना। गुड़िया बोल रही थी मम्मी रुक जा इधर ही, मैंने बोला नहीं इधर रुकेगी तो मेरे घर का काम भी नहीं हुआ था, यहाँ बैठ के भी क्या करना, घर में काम भी पड़ा है। तो चलो मैंने वीडियो किचन का काम भी हुआ, किचन मैंने आज ना टाइल, हमारे किचन में पूरे पे टाइल्स लगे, तो आधा किचन मैंने सुबह किया था साफ, अभी यह साबुन की लीड से कुछ ही तो पूरे दीवाने साफ करी अभी। उसके बाद मैंने सुबह मटका और टंकी नहीं भरी थी क्योंकि सुबह मेरे को उतना टाइम नहीं होता, पर इसको छोड़ने भी जाना था मेरे को स्कूल, क्योंकि आज उसकी साइकिल बनाने के लिए दिया था तो उसको छोड़ने गई, तो पानी नहीं भरा मैंने, पानी खाली मैंने बोतलें भरी थी, टंकी मटका वैसे था तो टंकी मैंने कम से कम 1.5 हफ्ते में भरी, क्योंकि कंटिन्यू पानी आ रहा था, टंकी का पानी हम यूज़ करते नहीं हैं, वो तो तब के लिए है जब पानी नहीं आता है, कभी अचानक बंद हो जाता है, इसके लिए टंकी भरी रहती है। मटका का पानी तो डेली भरती हूँ, तो आज मैं अभी तक मैंने मटका टंकी धोधा के भरे, बोतलें थी 5 वो भी भरी। फिर खाना मैं आज मटर पनीर बनाया था तो ज़्यादा बन गया था, मैंने एक पतीली पर मैं फ्रिज पर रख दी थी शाम के लिए। तो चलो बर्तन वर्तन धो दिया, वो किचन पूरा साफ किया, पानी होने भरा। उसके बाद तब मैं जगदीश पे आ गया, इधर आने लगे तो जगदीश पे आता, उसको भी खाना दे दिया, आ गई मैं अपने रूम में। अब ये कपड़ों को भी टोलती हूँ, आगे भी बोल रही थी लेकिन टाइम नहीं लगा था, लेकिन अब भी टोलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया 4 बज गया। फिर 5 बजे ऐसे कुछ गुड़िया को भी लेने जाना है, तो तब तक मेरे कपड़े भी हो जाती है, थोड़ा एडिटिंग करने का भी। तो दोस्तों आज के वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ, ज़्यादा आजकल मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही क्योंकि मैं बच चुकी है, ओरल पे एग्ज़ाम शुरू हो गया, अगर टीचर लोग क्या करें, आज कल ही दे रही उनको होमवर्क करने के लिए, और होमवर्क भी है, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, वो सब दे रहे हैं लिखने के लिए, था सब आया, दोनों का आ रहा है इसी मोबाइल में, तो मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए भी नहीं हो रहा। अगर जितना भी हो सके मैं डाल रही हूँ लॉन्ग वीडियो, 2 दिन में डाल रही, 1 दिन में डाल, लेकिन शॉर्ट वीडियो मेरे हमेशा आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियो को भी देखो, ढेर सारा प्यार दो। तो दोस्तों वीडियो को आज के इधर ही एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।